चले कहीं के, ये भी कोई वक्त है किसी के घर आने का? अरे भाई आ रहा हूँ, बंद करो इस बकवास को। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मुझे आपसे एक केस के बारे में जरूरी बात करनी है। अरे ये कोई बात करने का वक्त है? सुबह मेरे दफ्तर में रहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं अभी और इसी वक्त इस बात का फैसला करना चाहता हूँ, समझे? किस बात का फैसला? आप एक खून के केस की कितनी फीस लेते हैं? एक केस कहाँ है? फिलहाल कोई केस नहीं है, मगर आप ये बताइए फीस कितनी लेते हैं आप? अरे भाई ये तो केस केस पे डिपेंड करता है, जैसा केस वैसी फीस। ज्यादा से ज्यादा फीस कितनी लेते हैं आप? 50,000। 50,000? ठीक है। ये लो 25,000, बाकी खून करने के बाद। खून करने के बाद? हाँ, मगर शर्त यह है जब तुम मुझे छुड़ा लोगे। मगर किसका खून? ये कल के अखबार में पढ़ लेना, समझे? अजीब पागल आदमी है। एक बात और सुन लो, अगर वक्त से पहले ये राज जाहिर हो गया तो क्या? मुझे खून और करना पड़ेगा और वो होगा तुम्हारा, समझे? अरे भाई! करना पड़ेगा और वो होगा तुम्हारा, समझे? परेशान क्यों? बकवास बंद करो और जाओ यहां से, गो। कौन है? अखबार वाला। शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर कुमार का कत्ल, कातिल लापता। तेरे भैया सो रहे हैं बेटे। मेरा भैया इतनी देर तक कभी नहीं सो सकते, और इस तरह जमीन मेरा कभी नहीं छोड़ रहा। छोटू, 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 भैया, 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 छोटू, आप बोलते क्यों नहीं भैया? छोटू, छोटू, शंकर, भैया मेरे ख्याल है बच्चे को दूसरे कमरे में। चल छोड़ो, चल छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा भैया। तुम नहीं गए? तुम्हारा नाम? साहब हमारा नाम पिंटो। बाप का नाम? बड़ा पिंटो, पिंटो दी सीनियर। तुम इस घर का नौकर हो? लो गई ना बात। अरे साहब हम यहाँ का बटलर भी है और हेड कुक भी। अच्छा ये बताओ, रात को जब कुमार साहब का फोन हुआ तो तुम उस वक्त कहाँ थे? साहब हम अपना सर्वेंट कॉटेज में बेहोश पड़ा था। बेहोश पड़ा था क्या मतलब? लो हो गई ना बात। हमने कुमार साहब की बाटली में से 2 पैक विस्की पिया था साहब, अपने को 1 पैक में चढ़ जाता। अच्छा हो गई ना बात। इधर है। तुम्हारा नाम? जूली। बाप का नाम?
बाप ने हस्बैंड का नाम बताओ। बताओ कौन से वाले का, पहले वाले का दूसरे वाले का? शट अप। ये सर, मिस्टर बैनर्जी, मेरा ये ख्याल है कि जब तक मातम की सारी रस्में पूरी ना हो जाएं, हमें दफ्तर बंद रखना चाहिए। एज यू लाइक। और यही इंस्ट्रक्शन दिल्ली और बंबई के दफ्तरों को भी दे देनी चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता शंकर बाबू, कुमार बाबू जैसे देवता आदमी का खून न जाने किसने कर दिया। उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। बैनर्जी बाबू, किसी को दुश्मन बनते हुए देर लगती है क्या? जितना ही आदमी बड़ा होता है उतने ज्यादा दुश्मन होते हैं। यू आर राइट सर। आप ऐसे कीजिएगा, ये इंस्ट्रक्शन जरूर दे दीजिएगा। ओके सर। तुम लोग जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। चलो। आइए शर्मा साहब। आपको मुझे यहां देखकर ताज्जुब तो जरूर होगा, लेकिन मेरा यहां आने का एक खास मकसद है। कहिए, कुमार के कातिल का पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला,